देखिए क्या गर्मा गर्म वड़ा हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये जो वड़ा है वो बटाटा वड़ा नहीं है, बल्कि ये चिकन वड़ा है। आप देख सकते हैं, आप एक पीस काट के रखा है, तो चिकन का बैटर भरा है हम लोगों ने इसमें, तो काफ़ी टेस्टी होता है चिकन वड़ा भी। तो आप कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, देखने के लिए वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए आपको रेसिपी दिखाते हैं। तो चिकन वड़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये बेसन पीट है, 100 ग्राम बेसन पीट है, और ये मार्केट से हम लोगों ने ये ब्रेड लाया हुआ है, इसे लादी पाव बोलते हैं हम लोग। ये फ्रेश हरा धनिया है, इस तरह से चॉप करके लेंगे। हरी मिर्चे है, ये 2 बड़े चम्मच है, इस तरह से ग्राइंड करके लिया है मिक्सर में। और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के लिया है 2 चम्मच। करी लीव्स 7-8 यूज़ करेंगे। 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा। हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, और ये 250 ग्राम यानी कि 1/2 किलो बोनलेस चिकन लाया हुआ है मार्केट से। तो बोनलेस चिकन ला के अच्छे से धो के रखना है, और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट ड्रेन करने के लिए रखना है, एकदम ड्राई पीस रखना है, क्योंकि जो हमें वड़ा का टेक्सचर बनाना है, चिकन वड़ा का वो टेक्सचर बन सके, इसलिए पीसेस एकदम ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं चाहिए उसमें। तो कम से कम बनाने से 15 से 20 मिनट पहले धो के ड्रेन होने के लिए रखना पड़ेगा चिकन को। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बोनलेस चिकन है इसे मिक्सर के जार में डाल के मिंस करके लेंगे। इसे हम लोग ग्राइंड करके मिंस करते हैं। देखिए चिकन को इस तरह से हम लोगों ने मिंस करके लिया है। अभी हम लोग इसमें डालने के लिए तड़का बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कढ़ाई में तेल रख कर डाला हुआ है 2 चम्मच, और वो तेल गर्म हो चुका है। तो अभी हम लोग इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद करी लीव्स डालेंगे 7-8, उसके बाद 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 चम्मच ग्रीन चिली। ग्रीन चिली से क्रश करके लिया है अच्छी तरह से। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्ची डाल सकते हैं आप। अच्छे से इसका तड़का बना के फ्राई करना है। अच्छे से तड़का बना के हम लोग इसे जो चिकन मिंस करके लिया है उसमें डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से फ्राई करना है तड़का। देखिए सब हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई करके लिया है। जो जिंजर गार्लिक है उसका रॉ स्मेल चला गया है, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे और इस तड़के को हम लोग मिंस चिकन में डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए तड़के को मिंस चिकन में डाल दिया है। अभी हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऊपर से फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे क्या टेस्ट और बढ़ जाएगा, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखो ये चिकन वड़ा का जो मेन अंदर का बैटर है वो रेडी हो गया हमारा। अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो वो बैटर रेडी हो जाएगा चिकन वड़ा का। अच्छी तरह से सब एक जान होना चाहिए, इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिंस चिकन में हम लोगों ने जो तड़का बनाया था वो डाल के अच्छी तरह से ये चिकन वड़ा का जो अंदर का बैटर है वो बना के लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए। तो अभी ये तो रेडी है, उसके लिए जो बेसन पीट है उसमें हम लोग अभी घोल बना के लेंगे उसका, जिसमें हम लोग ये बैटर वड़ा का शेप लेके
डिप करके फ्राई करेंगे। तो अभी हम लोग बेसन का घोल बनाते हैं, तो उसके लिए आपको छन्नी में से छाल के लेना होगा, छान के लीजिए, क्योंकि इसमें लम्स नहीं होना चाहिए बैटर बनाते वक्त बेसन का, इसलिए छन्नी में से छाल के लीजिए पहले। और अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका घोल बना के लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस तरह से घोल बना के लेना है। अच्छा, देखिए हमारा बेसन का घोल रेडी है। इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ताकि इसमें चिकन का वड़ा अच्छी तरह से डिप करके कोट हो सके। तो देखिए बैटर रेडी है हमारा, ये भी बेसन का और ये चिकन का भी, दोनों रेडी है। अभी ये जो चिकन का बैटर है हमारा, उससे हम लोग वड़ा बनाएंगे, गोल शेप देंगे उसको। इस तरह से वड़ा का शेप देना है इसे। देखिए इस तरह से गोल शेप देके वड़ा बनाया है, दो वड़ा रेडी है। पहले हम लोग इसे फ्राई करके लेते हैं। तो अभी ये वड़ा को हम लोग, चिकन वड़ा को इस बेसन के घोल में डिप करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से कोट करके लेंगे बेसन के घोल में। और यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ाई में तेल डाल के रखा है वड़ा फ्राई करने के लिए, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अभी हम लोग इसमें चिकन वड़ा फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से वड़ा फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये दूसरा भी गया है। अच्छी तरह से इसे दोनों साइड से फ्राई करके लेंगे पूरा राउंड शेप में। वड़ा तेल में डालने के बाद फौरन इसे आपको फ्लिप नहीं करना है, थोड़ा एक मिनट तक ऐसे ही पोजीशन में रखना है। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद फ्लिप करना है वड़ा को। वड़ा तेल में डालने के बाद फ्लिप करने के बाद आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि अंदर जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और बाहर का जो कोटिंग है हमारा वड़ा का वो भी ना जले, इसलिए क्योंकि तेल बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए मीडियम फ्लेम पे करके अच्छी तरह से दोनों साइड से वड़ा को फ्राई करना है इस तरह से। देखिए हमारे आखिरी बैच के चिकन वड़ा है जो कि फ्राई हो रहे हैं और रेडी है। अभी हम लोग निकाल देते हैं अभी इसे, पहले के भी फ्राई होके रेडी है। अच्छी तरह से तेल निचोड़ के इस तरह से प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उस पर निकाले हम लोगों ने ताकि थोड़ा सा तेल सोख हो सके। अब ये देखिए 7 वड़े रेडी हुए हैं जो कि हम लोगों ने 250 ग्राम बोनलेस चिकन में ये 7 वड़े बनाए हुए। और अभी वड़ा रेडी है और इसके साथ खाने के लिए मिर्ची फ्राई करेंगे। तो मिर्ची को हम लोगों ने बीच में से चीरा लगाया है, स्लिट किया है और उसमें नमक भरा है। अभी हम लोग उसी तेल में इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे ताकि वड़ा पाव के साथ खाने में एक अलग ही मज़ा आता है मिर्ची खाने का। देखिए मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, अभी निकालेंगे हम लोग इसे अच्छी तरह से तेल निचोड़ के। इसी वड़ा के प्लेट में हम लोग टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे मिर्ची को। देखिए सारे वड़े भी रेडी है और उसके साथ खाने के लिए क्रिस्पी मिर्ची भी रेडी हो चुकी है। देखिए वड़े हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई किए हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, और नीचे तेल भी सोख कर लिया है इसने। और अभी एक डाउट क्लियर करेंगे हम लोग इसमें आपका, जो कि हम लोगों ने चिकन का जो बैटर बनाया है अंदर में
उसके लिए हम लोगों ने जो चिकन है वो कच्चा ही लिया है। तो बहुत सारे लोग को डाउट होगा कि चिकन तो कच्चा है, वो कुक हुआ होगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग आपको एक स्पेशली एक वड़ा कट करके दिखाते हैं। देखिए अंदर से पूरी तरह से ये जो चिकन है बैटर था चिकन का, वो अच्छी तरह से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। यानी कि आप डाउट क्लियर हो गया रहेगा आपका, जो कि सबको लगेगा कच्चा चिकन है तो कुक होगा कि नहीं, अंदर से कच्चा ही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने स्पेशली वड़ा कट करके दिखाया है आपको। तो अभी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी इसे मस्त पाव में भर के चटनी लगा के खाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। देखिए गर्मा गर्म वड़े और मिर्ची तो फ्राई हो गए है, अभी हम लोग इसे पाव में भर के खाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कैसे आप पाव में भरा जाता है। इस तरह से बीच में से पाव को कट करना है, और ये जो ग्रीन चटनी है धनिया पुदीना की जो चटनी है वो बनाई हुई है हम लोगों ने, दोनों साइड पे लगाएंगे पाव को। हमारा और भी एक वीडियो है मुंबई सैंडविच करके, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें हम लोगों ने चटनी कैसे बनाते हैं वो भी दिखाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। इस तरह से दोनों साइड में पाव को हम लोग चटनी लगा के लेंगे, और अभी हम लोग इसमें वड़ा रखेंगे अच्छी, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसे मिर्ची के साथ भी एंजॉय करेंगे हम लोग, मिर्ची के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में यहाँ पे ये जो टोमेटो केचप है वो भी रखा है ताकि और टेंगीनेस बढ़े इसका। तो ये खाने के लिए अभी बिल्कुल रेडी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी घर में चिकन वड़ा पाव, अलग तरह के एक वड़ा है ये, जो जनरली हम लोग बटाटा वड़ा खाते हैं वड़ा पाव में, तो ये चिकन वड़ा है, तो आप भी इसे घर में ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।